हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लजीज किचन में। और आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। तो ये देखिए, हमने 1 किलो भिंडी ले ली है। 1 किलो भिंडी हमने धुल के अच्छे से साफ करके इसको हमने इस तरीके से काट लिया है। हमने इसको गोलाकार में नहीं काटा है, इस तरीके से लंबी लंबी काट लिया है, क्योंकि हमको ये ऐसे ही पसंद आती है, इसीलिए हमने इनको ऐसे ही कट कर लिया है। तो ये हमने 1 किलो भिंडी कट करके रख ली है। और ये हमने प्याज और ये लहसुन है। लहसुन को हमने थोड़ा सा हल्के से मेस कर दिया है। और ये हमने हरी मिर्ची को अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और हमने गैस भी ऑन कर दी है। और हमने इस कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। ये देखिए, चला हमने जीरा डाल दिया है। जीरा हमने बस छोटा चम्मच डाला है। और जीरे को जब तक हम चटकेगा तब तक हम इसको चटकाएंगे। चटकने के बाद इसमें हम ये हमने जो लहसुन लिया था इसको तो लहसुन को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है। लहसुन को हम पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि लहसुन पहले डालने से इसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा आता है, इसलिए हम इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए हमारा लहसुन इस तरीके से हो गया है। अब हम इसी में प्याज ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा प्याज भी हो गया है। अब हम इसी में ये मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची डालने के बाद इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो देखिए कि सूखे मसालों में हम ये 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची। हरी मिर्ची हमने डाली है इसीलिए हम इसमें 1/2 चम्मच ही लाल मिर्ची डालेंगे। और ये हम 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मसाला अच्छे से हो गया है। अब हम इसी में भिंडी डाल देते हैं। तो भिंडी हमारी छोटी है कढ़ाई, इसीलिए हम इसमें भिंडी थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे। इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमने भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालते हैं। तो हमने ये 1 चम्मच नमक लिया है। इस तरीके से हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसको चलाएंगे, क्योंकि ये हमारी छोटी है कढ़ाई, इसीलिए इसमें इस तरीके से बनाना पड़ रहा है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आपकी 1 किलो भिंडी उसमें आराम से पक जाएंगी। तो ये हमारे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी, इसलिए हमने छोटी ही कढ़ाई में 1 किलो भिंडी बनाया है। फिर भी ये बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे, पलट लेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक और ऐड करेंगे। इस तरीके से ये हमने 1 चम्मच नमक और अब हम इसको 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। था और 2 मिनट में हमारी ये भिंडी पक गई है अच्छे से। आप देखिए ये कितनी खिली खिली लग रही है। और इसको हम अच्छे से थोड़ा इस तरीके से गला गला के हम पहन लेंगे। तो ये देखिए, भिंडी हमने ये पतला वाला चम्मच लिया है, इससे ये होता है कि भिंडी टूटती नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से इसको गला लेंगे। 2 मिनट हम इसको इस तरीके से भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये भिंडी बनके तैयार है। और देखिए कितनी खिली खिली लग रही है। और इसको हमने अभी कढ़ाई में ही रखा है, हम कढ़ाई से इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि भिंडी को कढ़ाई में ही रखना चाहिए, बाहर निकालने से ये पानी थोड़ा बहुत छोड़ देती हैं। तो इसमें हमने
और कुछ कोई मसाला नहीं डाला है, और यहाँ तक हमने इसमें हल्दी भी नहीं डाली है, क्योंकि हम हल्दी नहीं डालते हैं भिंडी में, हमको भिंडी ऐसे ही अच्छी लगती है। आप इसी तरीके से एक बार बना के खा के देखिए कि कितनी स्वादिष्ट लगती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों, ये भिंडी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है, सिर्फ 5 मिनट में भिंडी बनके तैयार हो जाती है। तो ये हमने 1 किलो भिंडी इतनी छोटी सी कढ़ाई में बनाई है, अगर आप चाहें तो इसमें आधा किलो भिंडी आराम से बना सकते हैं, इतनी छोटी अगर आपके पास कढ़ाई है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।